पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आप दोनों साथ में होते तो सब अच्छे से हो जाता है। प्लीज मिस्टर गर्ल्स, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे आप दोनों चाहिए। प्लीज मिस्टर गर्ल्स प्लीज। ओके बच्चे ओके, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा, सिर्फ रोना मत, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते मुझे। सच्ची? तुम्हारा एडवेंचर है ना ये, तुम्हारी खुशी के आगे सब कुर्बान। अगर तुम ये चाहती हो तो यही होगा। ओके सर, ओके चलो। ओके मैंने राम को प्रोवोक करने के लिए ये बात कही थी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तरुण, आरती की थाल लेकर आओ। यहाँ पे आओ। आप ऐसे अकेले हमें छोड़कर क्यों चले गए पीहू? हाँ, कितना डर गए थे हम। मामो डरी हुई थी, वही वेदिका की वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से भाई सब। भाई अब यू आ गई है, आप उसके साथ ही रहिए, मुझे कुछ काम है, मैं सेलिब्रेशन से पहले खत्म करके आता हूँ। सी यू। प्रिया, I'm really sorry. हमने तुमसे वादा किया था कि हम पीहू का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, लेकिन नहीं रख पाए। ऐसा आगे नहीं होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। I promise you, लेकिन I'm sorry. आप sorry मत बोलो, sorry मैं हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था। नहीं बेबी, आप वापस आ गए हो ना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, लेकिन प्रॉमिस करना कि आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्रॉमिस करो। आपको पता है पीहू, जब से आप इस घर में आए हो ना, हम सब कितने खुश हैं। सबसे ज्यादा मैं, मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती है जब मैं आपको देख लेती हूँ पीहू। आपको पता है मुझे तो अब ये लगने लगा है कि मुझे अपनी दवाई बंद करनी चाहिए, कि आप हो मेरी मीठी दवाई। आप भी बहुत स्वीट हो। मामा, पीहू चाहती है कि प्रिया उसके हमारे साथ प्यार है। आप ऐसा चाहती हो तो जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। ओके, आज के बाद जो पीहू चाहेगी वही होगा, बस हमें कभी छोड़कर मत जाना। ओके। अच्छा बच्चे, आप मेरे साथ 5 मिनट लिए ऊपर आओगे? I'm sorry, मिस्टर खड़ूस, मुझे पता है मैंने आपको हर्ट किया। मैं जानता हूँ आप सॉरी हो, पर मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको क्ले से गणपति बनाना आता है ना, मुझे सिखाओगे? मतलब मैं जानता हूँ आप आटे से बनाती हो, लेकिन वो जहाँ थे, जहाँ केमिस्ट पे मैं दवाई लेने गया था आपके पास, उसके पास एक स्टेशनरी दुकान थी, मैंने वहाँ से क्ले ले लिया और तरुण लेके आया, तो सिखाओगे? आपने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया। क्या ये वाला जो एक्साइटमेंट आप दिखा रही हो वो सच्चा है या ये भी झूठा मूठा? मैंने हमारा एडवेंचर खराब कर दिया ना। पता है बच्चे, मेरे लिए एडवेंचर तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी खुशी। अगर फ्यूचर में मैं कभी कुछ ऐसा करता हूँ जिसमें तुम्हारी खुशी ना हो या तुम्हें पसंद ना आए, तो मुझे ना, मुझे सीधे सीधे बता देना। ओके, क्योंकि मैं मिस सूट के साथ, जैसे तुम इतनी बार एडवेंचर्स पे गई हो, मैं तो नहीं गया हूँ ना, तो मुझे नहीं पता तुम लोग एडवेंचर्स पे क्या करते थे। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम
तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब थोड़ा बहुत पता है कि क्या पसंद है, पर ज्यादा नहीं, और मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीहू, क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरी पीहू को खुश रखने में? मिस्टर करोज, मुझे आपको अपसेट नहीं करना था, मैं एडवेंचर को फन बनाना चाहती थी आपके लिए। मुझे पता है मैंने आपको अपसेट किया, मुझे पता भी ये एडवेंचर सच में करना चाहते थे, आप मेरे फेवरेट करोज हो पूरे वर्ल्ड में। पर तुम्हारी मम्मा जितना नहीं, ये सब उसकी गलती है। आपकी ये ब्लू आईज बिल्कुल भी सैड अच्छी नहीं लगती, शाइन करती है तब बहुत अच्छी लगती है। मेरे लिए पता है क्या इम्पोर्टेंट है, कि मेरी पीहू बस खुश रहे, और अगर मेरी ब्लू आईज उसे खुशी देती है तो यही से। सिर्फ मुझे एक वादा करना होगा आपको, आज जैसे आप घर छोड़ के चले गए थे, आज के बाद वैसे कभी नहीं करोगे? नहीं 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 जाओगी, प्रॉमिस। अब चलो गन्नू जी बनाते हैं, ये हमारा वेट कर रहे हैं। आइडिया तो बड़ा अच्छा है, एक सेकंड ना, ये इतने सारे कपड़ों के साथ काम नहीं होता। अच्छा कुछ मेहनत तुम भी करोगी, सब सारा काम मैं ही करूंगा। हाँ ये मोदक हम पूजा में रखेंगे, मैं पीहू से मिलके आती हूँ। तारुण, हमारे यहाँ गेस्ट आउट हाउस में रहते हैं, ये भी वहीं रहेगी, बोल दो इसे। खड़े क्यों हो जाओ, तुम्हें क्या लगा कि तुम वापस इस घर में आओगी और मैं तुम्हें मेरे घर में आने दूंगी? पीहू इस घर की बेटी है, इसीलिए वो यहाँ पर है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि राम ऐसा चाहता है। देखो प्रिया, पैक योर बैग्स एंड लीव। आज मैं चुप रही, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। मैं तुम्हारी बेटी से कहूंगी कि उन 2 सालों के लिए तुम जेल में सड़ रही थी, फिर सोचो उस बेचारे पर क्या बीती। बस कीजिए, कम से कम मेरे सामने तो नाटक मत कीजिए पीहू के अपने बनने का। ये बात आप भी जानती हैं कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ आपके कहने पर हुआ। मिस्टर कपूर, उनसे पीहू को दूर करने का कसूरवार मुझे ठहराते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो क्या महसूस कर रहे, क्योंकि मैं आपकी तरह खोखली नहीं हूँ, अपनी ही बेटी की मौत का फायदा नहीं उठा रही हूँ मैं। प्रिया, मैं जानती हूँ मिस्टर कपूर को तकलीफ हो रही है, वो किस किस तरह किस दर्द से गुजर रहे हैं। एक दिन के लिए उन्होंने मुझे मेरी बेटी से दूर किया, मुझे कितनी तकलीफ हुई मुझे पता है, तो मैं जानती हूँ उन पर क्या बीत रही होंगी। और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती आपकी थी। गलती सिर्फ इतनी थी मेरी कि मैंने खुद को आपके हाथों मजबूर होने दिया। आपने जब जेल में मुझसे कहा कि मेरे जाने के बाद मिस्टर कपूर ठीक रहेंगे, तो मैंने आपकी बात मान ली, ये थी मेरी गलती। लेकिन अब मैं वो कोई भी गलती वापस नहीं दोहराऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी धमकियों से मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊंगी, उसके पास नहीं जाऊंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिसेस कपूर। मैं पीहू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती, लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको तो अभी भी रिश्तों में खेल खेलना है, आज फिर से ये नया दिखावा शुरू कर दिया है, जैसे आप पीहू की दादी हैं और आपको पता नहीं उसकी कितनी परवाह। फाइनली प्रिया, तुम मुझे पहचान गई, गुड। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, इसलिए तो मैं आई थी तुम्हारे पास जेल में। मैं जानती थी कि तुम राम के लिए, राम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए तो मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें बहलाने के लिए किया, क्योंकि मैं जानती थी उस वक्त तुम उस हालत में भी नहीं थी यू नो, कुछ भी सोचने समझने के लिए। मैंने उस मौके का फायदा उठाया, गुड ना। इसीलिए गलती मेरी नहीं है प्रिया, गलती तुम्हारी है कि तुमने ऐसा किया। अगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करती तो तुम समझ जाती ना कि अगर कोई पत्नी अपने पति से अपने बच्चे के बारे में कुछ बता रही है तो पति तो खुश होगा ना, कॉमन सेंस। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मिसेस कपूर, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मिस्टर कपूर को यह साबित कर दूंगी कि मैं बेकसूर हूं। मैंने उनसे झूठ कहा, उनसे दूर गई, उनके बच्चे को उनसे दूर किया,
लेकिन इस सब में गलती आपकी है। आपकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल को गवा दिया, सिर्फ आपकी वजह से। मगर फिर भी मैंने मिस्टर कपूर से पूरे दिल से पूरी शिद्दत से प्यार किया। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।